कज़न, वेलकम टू माई डे टू डे लाइफ. और वी आर हेडिंग टू सम डेस्टिनेशन. दिस इज अ बहुत तेज धूप है. मार्च में बच्चों के एग्जाम के बाद थोड़ा सा टाइम था होली में, तो हमने सोचा कहीं पे घूम के आते हैं. हाय गाइस एंड वेलकम टू माय डे टू डे लाइफ. और आज हम जा रहे हैं मेरे टू आगरा. और अभी हमें यमुना एक्सप्रेस वे पे मतलब हमें निकले हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा. और अभी हमें 2 घंटे ही और ट्रेवल करना है, उसके बाद में हम मिलेंगे आपसे. हम लोग सुबह काफ़ी जल्दी निकले थे, तो ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी करके नहीं निकले थे. हमने बीच में एक जगह स्टॉप लिया था और यहाँ पे बिकानो था. बिकानो से हमने ये छोले भटूरे, डोसा वगैरह लिया है, बट ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. इनफैक्ट डोसा कैसे ख़राब हो सकता है, हमारी समझ में यही नहीं आ रहा था. तो यहाँ पर मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बिकानो पर जाएँ. यहाँ और भी बहुत सारे छोटे छोटे आउटलेट हैं, आप वो चेक कर सकते हैं. हमने बीच में यहाँ पर स्टॉप लिया है और यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए भी है, टॉयलेट्स वगैरह भी हैं. एंड दिस इज़ द प्लेस. यहाँ पर हम स्टारबक्स में जाएंगे और बिकानो जाके आए, वहाँ पर कुछ कुछ खाया पिया है. ये मेरी है, मेरी है। लेके बैठे हो तुम, ठीक है? मेरा है ना. तो इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से चल दिए अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो था 2 घंटे दूर. और अब हम पहुंच चुके हैं ITC मुगल. हम लोगों ने यहाँ पे रहना इसलिए पसंद किया क्योंकि ये काफ़ी नियर बाय है ताजमहल से, ऐसा हमें मैप्स पे पता चला था. और यहाँ से एक व्यू भी था ताजमहल का, वो भी मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी, जो हमने जाने के बाद में देखा. नॉट वेरी गुड बट हाँ था. तो ये है होटल की लॉबी, बहुत ही बढ़िया. एक तो हम लोग बहुत साल बाद, मतलब लगभग 1.5 साल बाद या 2 साल बाद में कहीं घूमने गए थे, तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था. सो गाइस अभी हम लोग चेक इन कर चुके हैं, एक्चुअली काफ़ी देर हो चुकी है और हम लोगों ने बहुत रिसर्च करी और सोचा कि क्या खाया जाए. तो वी वर नॉट सो हंग्री क्योंकि हम बीच में रुके थे, बट थोड़ा तो कुछ लग रहा था कि कुछ चाट वाट जैसा खाया जाए, जो यहाँ पॉसिबल नहीं था. सो वी ऑर्डर्ड फ्रॉम हल्दीराम. मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये रहा. हमें जाके मेन गेट से कलेक्ट करना था, तो यहाँ पे पानीपुरी एंड ऑल. सो हम लोग पानीपुरी खाने जा रहे हैं, साथ में हमारे पास में है ये पाव भाजी, वेल पैक्ड एवरीथिंग. और यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है जो है प्लेटर, एंड आई रियली लाइक इट. मैंने एक बाइट लेके भी देखा, मस्त है. सो लेट्स एंजॉय. मैंने अभी से पहले कभी भी हल्दीराम की पानीपुरी नहीं खाई थी और हमारा एक्सपीरियंस जो सुबह वाला खाने का था वो बहुत अच्छा नहीं था. बट इतनी भी ज़्यादा भूख नहीं थी कि कुछ हम पास्ता पिज़्ज़ा टाइप ऑर्डर करें. और चटपटी चाट बहुत ही बढ़िया लग रही थी उस समय. ये राज कचौड़ी थी जो प्रॉपरली पैक थी, सारी चटनी दही वगैरह अलग से पैक होके आए थे. दिस वॉज रियली यमी. सो गाइस विद इन होटल ही एक ऑब्जर्वेटरी थी छोटी सी, जहाँ से ताजमहल दिख रहा था. मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तो टर्न ही कर लेती हूँ. तो ये देखिए, ये है प्रॉपर्टी और यहाँ से वैसे तो पूरा शहर ही दिख रहा है और सामने ताजमहल दिख रहा है. यहाँ पे ऐसे स्विंग लगे हुए हैं, लुक एट इट इस तरह से. I won't say कि बहुत अच्छा व्यू है, पर हाँ व्यू है. मगर शाम को हमने सोचा कि बस ऐसे ही थोड़ा सा टहलते हैं. यहाँ के लॉन्स वगैरह वेल मैनिक्योर्ड और बहुत ही अच्छे लग रहे थे. एक वीकेंड गेटअवे के लिए एक परफेक्ट जगह है आगरा. फिरदौस स्विमिंग पूल बंद है, मगर बागी बाहिश्त. ओह ब्यूटीफुल यार, बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है. प्रॉपर्टी इज रियली नाइस. ओह दिस इज लाउंज एंड दिस इज बागे बाशित. नो नो, बच्चों के साथ ट्रेवल करना बहुत मुश्किल होता है.
मैं कभी भी किसी होटल या रिजॉर्ट में जाती हूँ तो वहाँ पे जो प्लांट्स लगे होते हैं उन पे मेरा बहुत ध्यान जाता है। थोड़ा सा घूम फिर के ज़रूर देखती हूँ कि क्या क्या प्लांट्स लगाए हुए हैं, और यहाँ पे जो प्लांट्स लगाए हैं वो बहुत ही नॉर्मल, मतलब ईजीली ग्रो भी हो जाते हैं और मिल भी जाते हैं। जैसे जेड लगाए हुए कितना अच्छा लग रहा है, दो इस इतना होने तक इसे कई साल लगे होंगे, बट ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे बहुत ही ईजिली ग्रो किया जा सकता है, बहुत ही लेस मेंटेनेंस है। ये वाली जो हेज है ये भी बहुत ही आसानी से हो जाती है, बरसात के सीज़न में लगाई जाती है, बट इस हेज को देख के पता चल रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल ना उड़े इसलिए पत्थर से कवर किया हुआ था, बीच में फाउंटेंस लगे हुए थे, चल रहे थे। और ये सारा जैसे कि ताजमहल बनाया हुआ है, ये जो मुग़ल आर्किटेक्चर होता है बिल्कुल वैसे ही था, थोड़ा सा स्क्वायर स्क्वायर करके था सारा। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इन्होंने जगह का यूटिलाइजेशन किया हुआ था, और इस कोने में ये स्नेक प्लांट लगाए हुए हैं। लुक एट इट गाइस, और सारे प्लांट्स वेल मैनिक्योर्ड हैं तो अच्छे लग रहे हैं। मतलब अच्छे प्लांट्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लांट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे बच्चों को भी घूमने फिरने में बहुत मज़ा आ रहा था, और एक्चुअली वही बात है कि बहुत दिन बाद कहीं भी निकलो ना तो अच्छा ही लगता है, और साथ तक बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। इसका नाम है गुलबदन गार्डन टेरेस कोर्ट एंड मिनी गोल्फ कोर्स। आह क्या लॉन्स है यार, लश ग्रीन। हाँ मतलब लश ग्रीन, राइट। क्या था, मंकी बंद है। मुझे दिख रहे हैं वो, हेलो बंद है। सो गाइस हमें बहुत सारी पतंग उड़ रही थी और एक पतंग हमें भी कट के मिल गई है। इतनी मेहनत क्यों की अगर मैं उड़ानी नहीं थी वहां से लेके। थैंक यू फॉर द ऑसम कंटेंट। ये यहाँ का पूल एरिया था, बहुत ही सुंदर। ये देखिए यहाँ पे ये पूल क्लोज था, शायद कोविड की वजह से अभी इन्होंने ओपन नहीं किया है अभी। और वापस जब हम लॉबी में आए तो यहाँ पे एक परफॉर्मेंस चल रही थी, फुल परफॉर्मेंस चल रही थी, वेरी नाइस। सो इट्स टाइम फॉर डिनर, वी आर गोइंग टू, क्या नाम है रेस्टोरेंट का, ताज पानो रेस्टोरेंट। घूमते फिरते डिनर टाइम हो ही चुका था, तो ये था ताज पानो। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था सब कुछ, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने ख्याल रखा था कि वो पूरे आगरा के कल्चर को अपनी तरह से दिखा पाएँ। ये देखिए यहाँ पे खस्ता भी रखी हुई है, पकौड़ी भी रखी हुई है, साथ में सैलड्स भी रखे हुए हैं, दही की पकौड़ी, रायता, सब कुछ था। मतलब यू नेम इट यू हैव इट। बस सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने इन्जॉय किया वो था डिज़र्ट सेक्शन, बहुत ही बढ़िया होते हैं डिज़र्ट्स। एक्चुअली मेन कोर्स हमेशा मुझे लगता है कि होटल्स में अच्छा नहीं होता है, बट डिज़र्ट्स एंड स्टार्टर्स आर द बेस्ट। फूड फॉर फूडीज निकाल रही हैं सूप। अरे तुम नहीं देख पाओगे, अरे मैं वीडियोस में दिखा रहा हूँ। मैं अब अपने लिए भी ले रही हूँ। ठीक है इधर होना चाहिए, ये ज़्यादा का नाम भी दिखता रहे कैमरा। इसका नाम आप देख जाएगा, इसका नाम आपको दिख जाएगा। थैंक यू बॉयज, बस ये फूड फूडीज लेते हुए। तो ये थी हमारी फर्स्ट सर्विंग जिसमें सारे सैलड्स हैं, सारे बहुत ही बढ़िया थे सैलड्स। ये जो सूप था इसका नाम था भुने भुट्टे की राब मेरे ख्याल से, बट ये अच्छा नहीं था। और ये मेन कोर्स है जिसमें दाल मखनी, पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज, ये सब था, बट आई वोंट से कि ये बहुत अच्छा था। और इसमें तहरी थी, मतलब कैन इमेजिन, तहरी थी, बिरयानी भी नहीं थी, तहरी थी। ये नॉनवेज वाला सेक्शन था जो बिल्कुल सेपरेट था, साथ में बहुत सारे फ्राइम्स वगैरह रखे हुए थे। आई मीन टोटली बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की थी। इसमें एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी थी, वो मैं ज़रूर अपने चैनल पर बनाऊँगी, मैं भी आपको दिखाती हूँ। वो यहाँ पे है और मैंने ली खाई और मुझे लगा कि वाओ ये भी ऐसे बन सकता है। तो नूडल्स के साथ में यहाँ पे था एग प्लांट इन चिली गार्लिक सॉस, जैसे कि मंचूरियन होता है ना उसी तरह से बैंगन था इसमें। एंड वाह क्या कहना, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते आप, इतना बढ़िया था गाइस। क्या सेकंड एंड द फाइनल सर्विंग थी, वेरी डिलीशियस। नूडल्स में ले आई ना, नूडल्स खाने के बाद ही बहुत मन कर रहा था। दिस इज व्हाट द मेन कोर्स इज। That's what my main thing. Okay. Oh, bhai.
दिस इज समथिंग. ये मतलब कहीं और हिट कर रहा है. बढ़िया ना, दिस इज समथिंग. आई मीन आई कांट टेल यू गाइस, बहुत ही टेस्टी है. हनी चिली लोटस स्टेम. आई कांट टेल यू, कंपटीशन नहीं है क्या? डेजर्ट कितनी हनी है. दिस इज नॉट माई डिजर्ट प्लेट दो, लेकिन फिर भी ये क्या चीज़ है? गुलाब जामुन एंड रबड़ी. व्हाट आई थिंक समथिंग लाइक दैट. आई लव टू ईट. कुछ लिखा तो था सम. सो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं डिजर्ट. जोखे शाही कुछ तो भी यमी बहुत है. ये बहुत यमी है. दिस इज अमेजिंग. हाँ मड केक स्लाइस भाई. नहीं अब तुम्हें लेना है और ले लो एक चॉकलेट. एंजॉय. तो लास्ट में था डिजर्ट सेक्शन और ठीक है खुश. बहुत ही मज़ेदार थे सारे के सारे डिजर्ट. बहुत अच्छे थे. बस एक यहाँ पे मावा कचौरी थी वो मुझे थोड़ी कम पसंद आई. मैं भी आपको दिखा दूँगी आगे. ये फिरनी वगैरह थी बहुत ही बढ़िया. साथ में जो रसमलाई इन्होंने बना रखी थी दैट वाज अमेजिंग. मतलब बहुत ही बढ़िया वाली रसमलाई. हम लोग टिपिकल यूपी से हैं तो ये वाली जो मिठाइयाँ हैं ये हमें ज़्यादा अच्छी. कप केक तो बड़ा एज़ कम्पेयर टू केक एंड ऑल. मेरा भी नहीं अच्छा है. रसमलाई इज रियली टेस्टी. गिरते गिरते बचा. गॉश गुलाब जामुन वाली चीज़ अमेजिंग है. अमेजिंग. बहुत टैंगी है. ये मावा कचौड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग थी. उसके अलावा सब कुछ बहुत अच्छा है. अच्छी बात मैं ले ली. सो गाइस गुड नाइट. और अब हम डे वन आगरा ट्रिप का यहीं पे एंड करते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा. आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकें ना साथ तक. और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा. बाय बाय.